सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले घंटी को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आप अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं वो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, उसके बाद चलेंगे व्लॉग की तरफ। आज आपको दिखाते हैं बहुत ही जबरदस्त सा व्लॉग। ठीक हो गया तमाम बहन भाइयों, रहना साथ है, वीडियो बिल्कुल स्पिप नहीं करनी है, मुकम्मल वॉच करनी है वीडियो, तो वीडियो आपको इंशाल्लाह मजा आएगा वीडियो देख कर। नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, पानी वगैरह भी रखा हुआ है, बोतल में बर्फ़ है, लेकिन पानी मिक्स करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे इसको। और इसमें जो है ये पत्नी क्या पकाया है, सालन है, तो ये जब आएगा देखेंगे क्या है। तो इसके बाद ये वसीम बैठा है और ये साथ इब्राहिम बैठा है। इब्राहिम ना आए, वर्दी चेंज कर ली, आप भी ना आए। तो बहन भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया है कि सुबह जब भी उठते हैं ना, जब तक नहाया नहीं दिल नहीं करता है कोई चीज खाने पीने को, क्योंकि एक आदत सी बन चुकी है, सुबह उठना है, नहाना है, फ्रेश होना है, फिर जो है बाद में नाश्ता पानी जो भी करना है करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। हाँ तो जी, नाश्ते की जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखें, ये रोटी रखी है, साथ रखा है पानी ठंडा बना के, और ये है हमारा फेवरेट अचार, हरिया मिर्चा और आम का, और ये होगी भिंडी। ये जो है ना शाम को जो सब्जी बनाई है, तो सुबह नाश्ते के लिए भिंडी जो है वो बच गई थी, नाश्ता भी करते हैं रात के सालन से। तो ये देखे, और साथ बैठा है इधर वसीम और हाजरा। आपने भी नाश्ता करना है? हाँ जी, हाँ जी। खाएंगे? हाँ जी। वाह जी वाह, आपने नाश्ता किया नहीं था? नहीं। क्यों? तैयारी कर रहे थे। तैयारी कर रहे थे? ये जी नहा के तैयारी करके फिर खाना खाने के लिए आए हैं। इब्राहिम भी आ रहा है। इब्राहिम, आपने खाना खाना है? हाँ। खाओ खाओ फिर खाना। अभी जी करते हैं शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ जी बहन भाई, चाय पी ले। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, अभी आ चुकी है हमारी चाय। चाय पीनी है तो आ जाए, क्योंकि आपको पता होगा डेली रूटीन का, डेली जो है हमारी रूटीन है नाश्ते की, चाय की। आपने अगर पीनी है तो आए, बिस्मिल्लाह करें, चेक तो कर लें, जायका चेक कर लें, थोड़ी में मुझे दे देना, कुछ आप पी लो, पी ले हाँ, कमेंट में बताना कैसी है चाय, जबरदस्त है कि नहीं है, बताना जरूर है। हाँ जी, चाय आपने तो नहीं पी है ना, चेक भी नहीं किया, मैं चेक करता हूँ। हाय हाय हाय, मजेदार दूध पत्ती चाय है, सुभान अल्लाह। पीनी है तो आ जाए, बार बार कह रहा हूँ आपको चाय के लिए। आहा, जबरदस्त चाय जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाय भी पी ली है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जाते हैं, फिर व्लॉग का जो है स्टार्ट हो चुका है, आपको फिर व्लॉग भी दिखाते हैं आज का जबरदस्त व्लॉग। कोई पक्का हवा दे दे, नेक नसीबों में चंगी बीवी खुदा देंदे, नेक नसीबों में चंगी बीवी खुदा देंदा है। हाँ तो जी, अभी जो है मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये देखें मेरे हाथ में पैसे हैं, अभी चलते हैं, इन पैसों का क्या करना है, किसको देने हैं, क्या करते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। ये अभी मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ घर से, पंखा चला हुआ था उधर जो है ना, शोर शराबा था, अभी जो है मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ, ये किसको देने हैं और क्यों देने हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सही हो गया जी, बाहर आ जाऊँ, अभी चलते हैं जी कहाँ जाना है। हाँ तो जी, अभी हम पहुँच चुके हैं असगर भाई के पास, लंबरदार भी सोया हुआ है, पता नहीं वीडियो एडिट कर रहा है, असगर भाई भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकरम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक, आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, आप सुनाए? अल्लाह की रहमत दुआ, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है मालिक करीम का। क्या हो रहा है? बैठे अभी नाश्ता किया है,
जो आपने अचार भिजवाया था उसके साथ मैं उसका टीका जब मैं भी बैठा हूँ, मुझे अपना एडिटिंग का डूज एडिटिंग का मैं चार कर रहा था खैरियत थी यार। वो ना मैंने सुना है सुबह मुझे जो है ना पता चला है भी आपके पास जो है ना घर में एक रुपया भी नहीं है खर्चे का। पता नहीं कोई बच्चों ने कहा होगा, किसी ने कहा होगा या देखा होगा किसी ने भाई ऐसे खाली जो है ना रोटी खा रहे थे, कोई चीज भी नहीं थी, ना कोई सालन वगैरह ना कुछ भी नहीं था। आपने बताया था? नहीं मैं तो वहाँ नहीं गई, तो इसलिए ना है ना यहाँ पर खेल रहे थे, वसीम भी आया हुआ था यहाँ पर देख रहा था, आजरा भी यहीं पर थी। आकरम भाई ये तो बात सच है, लेकिन हम छुपा रहे थे। तो आप मुझे बता देते अगर मेरे पास जितनी गुंजाइश होती मैं कर देता, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि आपके पास जो है ना खर्चा खत्म हो चुका है या है। असल में पता क्या है, ये न्यूज एडिटिंग का जो काम है ना मेरा, ये उसका है महीने का एंड, आज 27 तारीख है तकरीबन, 5 तारीख को सारी पेमेंट आ जाती है 20,000-25,000। उसके बाद जो है आप मेरी फैमिली का हिसाब लगाए 1,000 रुपए डेली खर्चा है, वो महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर आखिरी हफ्ता जो है महीने का पे आने तक फिर यही हाल होता है। हमने छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन राज जो है निकल गया। नहीं आप बता देते भाई, ये तो हमें पता नहीं था। सफेद पोशी है ना और आपसे तो अटखट भी रही है। नहीं इसमें अटखट की कौन सी बात है, अगर कोई मसला होता है तो भाई किस मुंह से, मतलब भाई जो मैं आपको कहता गया इसलिए मैंने किसी को भी नहीं कहा यार, सफेद पोश बंदे की यही मजबूरी है, बल्कि अपने भाइयों को किसी को नहीं कह सकता, अपने भाइयों को नहीं कह सकता, बस जैसे राज आउट हुआ है तो आप आ गए हाल पूछने के लिए। हाँ मैंने अभी मुझे पता चला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना उधर जाएं बातचीत करें, दो चार दिन की बात है, आपकी भी इंशाल्लाह जो सैलरी है वो आ जाएगी जैसे आप काम कर रहे हैं न्यूज का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पे आ जाती है उसकी, लेकिन खर्चा ज्यादा है, महंगाई देखे आपकी महंगी होगी। हाँ वो तो है, लेकिन ये है भी इमरजेंसी अगर नहीं थे तो बंदा किसी को कह देता है, भाई और को कहने की तो जरूरत नहीं है, बंदा जो है भाइयों से पूछ लेता है भाई यार दो चार दिन के लिए जो है पैसे खत्म हो चुके हैं या कुछ भी होता है। बहुत सही बात है आपकी बिल्कुल, लेकिन अभी जो है मैंने ना थोड़ी रकम लाई है आपको दे देता हूँ, आपके इंशाल्लाह 4-5 दिन जो है ना ये इतना सैलरी तक ना आपके गुजर जाएंगे। यार फिर आप क्या करेंगे, आप भी यार वो मेरे पास अभी पड़े हैं ना, ये मैं घर रख के क्या करूँगा, चलो आपका खर्चा चल जाएगा ना 4-5 दिन के लिए, फिर करेंगे जैसे भी होगा। नहीं मांग लेते वो मसला नहीं है यार, क्योंकि थोड़ा सा ना वो शर्मिंदगी हो रही थी मुझे, वरना मांगने के लिए पहले भी मैंने आपसे 1,000 उठाया 5 उठाया बात वो बात नहीं है, लेकिन इस बार कुछ मूड इस तरह था कि जब पहले से फिर हो घर में तो मूड था, किसी को बोलने का भी मूड नहीं होता यार, यार क्योंकि मेरे पास जो है ना पड़े से तकरीबन 10-1,000 पड़ा था, 50-50 मैंने कर दिया, बहुत बाकी जो है जैसे अल्लाह को मंजूर है वैसे ही होगा इंशाल्लाह। तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये भाई ने मेहरबानी की है, तो आप ये जो दिन है 4-5 वो इंशाल्लाह अपने पे आ जाएगी, बहन को भी देंगे और अपना भी गुजारा, ठीक है ना। और कोई हमारे लायक कार्यक्रम भाई बस बहुत है, आपने जो किया वो ही बहुत है, और कोई हमारे लायक हो तो बता देना, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह बता देना। ठीक हो गया बहन भाइयों, तो चलते हैं। हाँ तो जी गए हुए थे असगर भाई के घर जैसे आपने वीडियो में देखा है, अभी चलते हैं अपने घर की तरफ, उससे जो बातचीत थी गुफ्तगू थी वो कर ली है, अभी चलते हैं अपने घर, चल के देखते हैं क्या हिसाब किताब बना हुआ है। तो इधर छाए इधर खड़े हो जाते हैं, साथ पीछे बूटी भी है, ये भी सबर सबर जो है ना खुशहाली नज़र आएगी व्लॉग में। तो इसके साथ ही बहन भाइयों मैं चाहूँगा तमाम बहन भाइयों से इजाज़त, क्योंकि व्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इस वक्त मैं चाहूँगा तमाम बहन भाइयों से इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई
जिंदाबाद, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। तो ऐसी ये बात होती है कि किसी सफ़ेद पोश जो आदमी होते हैं वो मांग भी नहीं सकते हैं। तो ये जो ये असगर भाई का मुझे जो है अभी अभी पता चला था सुबह कि उसका कल का जो है उसके घर में खर्चा जो है वो राशन का वो कुछ भी नहीं था। तो उसको जो है ना मैंने जो मेरे से हो सका है उसको मैंने दिए हैं। तो बाकी जो है 4-5-6 दिन का उसका खर्चा चल जाएगा, बाकी जो है देख लेंगे बाद में, जैसे अल्लाह को मंजूर होगा वैसे ही होगा। क्योंकि मेरे घर में रखे हुए थे थोड़े से, तो घर रख के मैंने क्या करने थे, उसको दे दिया है। क्योंकि इंसानियत जो है वो भी कोई चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसानियत जो होती है। तो इसके साथ ही जी अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।